आजकल ना लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन ना थोड़ी सी है प्यार की कमी। तो मुझे आज अम्बाला में ना ऐसी शॉप दिखी है जहाँ ना 50-60 रुपीज में खूब सारा प्यार मिलता है। जो सर हमें प्यार वाली फ्रूट बियर पी, सर के पास प्यार वाली फ्रूट बियर पीने के बहुत बढ़िया तो हम लोग स्पेशली आपकी प्यार वाली फ्रूट बियर पीने आए हैं। तो और क्या कनेक्शन है उसके पीछे, कैसे ये मतलब फ्रूट बियर तो बहुत सुनी थी, लेकिन प्यार वाली फ्रूट बियर ये कैसे? आपको सब आपके सामने लाइव करके बताएंगे आपको कि इसमें क्या है, इसमें ऐसा क्या है, ये कैसे बनती है आपको बता रहे हैं। आपको जी सबसे पहले इसमें गिलास देते हैं, ये कॉमन है आपको हर जगह मिलेगा आपको जी गिलास। इसके बाद इसमें यूज होता है फूड बियर कंसेंट, जैसे रसना होता है, रूह अफ़ज़ा होता है, ये भी कॉमन है हर जगह मिलेगा आपको जी। ठीक है जी। इसके बाद इसमें यूज की मैंने इसमें फिल्टर आइस बहुत होती है जो हमारे कस्टमर का गला खराब नहीं करती, मगर उसको ठंडक देती है। ये भी हाँ जी बिल्कुल, ये भी कॉमन है आपको हर जगह मिलेगी, क्रिस्टलाइज बोलते हैं तो फिल्टर आइस बोलते हैं, ये भी कॉमन हर जगह मिलेगी। इसके बाद में यूज़ पेप्सी कंपनी का सोडा, ये भी कॉमन है आपको हर जगह मिलेगा, यानी कि अलग चीज डाल रहे हैं इसके अंदर, को कॉमन आइटम डाल रहे हैं इसमें, अनकॉमन बात बताएंगे आपको। सही, अब इसमें हमने फूड बनाना शुरू कर दिया, इसमें हमने सोडा डालना शुरू कर दिया। ठीक है जी, अब शुरू हो गया आपको फूड के ध्यान से देखना जी आप। ठीक है, अब हमारा कस्टमर्स होते हैं ना सोडा डालते हैं, इसमें सोडा ही डालते हैं, इसमें डालते हैं अपने हार्ट की फीलिंग जो यहाँ से वाइब्रेट होके इसके अंदर जाती है। जो ये बुलबुल उठ रहे हैं ये हमारे प्यार के बुलबुल होते हैं, जो हमारे कस्टमर के अंदर जाते हैं उनको वापिस यहाँ लेके आते हैं। इसके पीछे थीम वही है हमारा बुजुर्गों का, कि आप बुजुर्ग कहते थे जो चीज़ आप बांटोगे वो 10 गुना के वापिस आती है, तो इसलिए हमने प्यार बांटा। आप पीछे दे सकते हो, पीछे कैमरा घुमाइए आप, कस्टमर क्योंकि बिजनेसमैन होता है वो हमेशा ही कहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कम लगे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो हमने प्यार की इन्वेस्टमेंट कर दिया और प्रॉफिट का अंदाजा आप लगा सकते हैं, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है जी। और एक बात और बताते हैं आपको, आपसे बातें कर रहे हैं, कनेक्शन ही है हार्ट का और वाइब्रेशन का, और ये चक्कर बुलबुल हो गया। ठीक है, जैसे जिंदगी में जो चीज़ बनाओ प्यार बनाओ सॉरी बन गया। और फूड के बारे में आपको एक और बात बताते हैं आपको, फूड बियर होती है, जैसे एक होती है बियर एक होती है फूड बियर। बियर होती है जो आज आपको पी लेते हैं उसका नशा सिर्फ आपको चक्कर मिलेगा आपको। ठीक है जी, मगर इसको जिसने पी लिया तो नशा सारी मत चलेगा, क्योंकि इसमें प्यार का नशा होता है, इसका ले प्यार वाली फूड बियर। इसका एक स्लोगन भी है, अपने स्लोगन सारे अपने कस्टमर को लाते हैं, कैसे इसमें हम बोल के देते हैं कि इसमें झाग का टेस्ट है और बाकी सब टेस्ट है, जो कि झाग की तरह जाग नहीं होता। और एक आपको और बताते हैं, हम इसी के कड़ी में जैसे जैसे हमारी चीज़ ना आपको बता रहे थे, आपको पहले बता रहे हमारे यहाँ चीज़ में लव होता है, जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो आपको सामान स्कैन होकर मिलता है, तो कोई भी सामान होगा हमारे कस्टमर पहले आएगा, पहले वो प्यार स्कैन होगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, और ये प्यार हम अब प्यार चंडीगढ़ में बांटने लगे हैं, 34C सेक्टर में इंडिया आउटलेट हो रहा है वही, मगर नाम हमारा वही रहेगा श्री बैलाल जी पान वाले भी। ठीक है, मतलब कितना टाइम से आपकी सिंस 1961 से हम सर्विंग लव एंड हैप्पीनेस सिंस 1961 से जी, जी, जी। क्या बात है, मतलब इतनी पुरानी शॉप तभी, मतलब थैंक यू सो मच। तो ये हमारी प्यार वाली फूड बियर आ चुकी है और सच में बहुत टेस्टी है, मतलब वैसे मैं फूड बियर बहुत ज्यादा पीती हूँ लेकिन इतनी टेस्टी, इसका टेस्ट वाकई कुछ अलग है क्योंकि इसमें प्यार मिला हुआ है। तो सर और क्या क्या आपके पास? हमारे पास होते हैं मोमोज होते हैं, स्प्रिंगोस होते हैं, सबसे बढ़िया आइटम हमारी चीज फिंगर होती है जो फ्रेश चीज की बनती है। ये सारी आइटम हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और वेज आइटम है। आपको चीज फिंगर दिखाते हैं, आपको देखो ये हमारा अपना चीज फिंगर है, ये आप खाओगे इसमें इसमें आपका पेट भी नहीं भरेगा और दिल भी नहीं भरेगा आपको खाने के बाद, ये आप खा के बताओगे जी जी, ना इसमें पेट भरता है ना दिल भरता है। मगर अब आपको फिर रिपीट कर रहे हैं, यह चीज प्यार से स्कैन होकर हमारे कस्टमर पे आती है। और चंडीगढ़ में भी आपका? चंडीगढ़ में 34C में इसी महीने हमारा आउटलेट ओपन हो जाएगा, उसमें भी जैसे अब बाहर जाओगे हमारा जो भी नाम होता है, हमारा इस शॉप का नाम है सनी फूड वाला, लेकिन उसके नीचे हमने लिखा लव ऑफ श्री भैरलाल जी पान वाले, तो प्यार आपको हर चीज में मिलेगा, जैसे खाने की चीज हो चाहे बोलने की चीज हो। और एक मैंने कुछ सुना था कि वो कुछ जॉब वगैरह आप ऑफर करते हैं? नहीं, किराए में बराती होते हैं, बराती मिलते हैं वहाँ पर हर किस्म के किराए पर, हर किस्म का मतलब होता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपको पीछे चलने वाले चुटी टूटी शराबी कबाबी मामा चाचा नाना ताया सब मेरे लिए कोई जॉब मेल से डील करते हैं जी 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 तो आपको अगर किराए पे बराती चलेंगे पूरी मुंडा थोड़ा बाकी सब साडा क्या बात है। और ये फ्रूट गियर के साथ साथ ना हमारे जो है चीज फिंगर भी लग चुके हैं, और इनका मेन्यू जो है मतलब इतना कलरफुल मेन्यू है, अगर किसी को कुछ खाने का दिल ना भी ना तब भी वो ऑर्डर करके कुछ ना कुछ खाएगा।
ये हमारी फूड प्यार वाली फूड बियर के साथ साथ ये हमारे चीज फिंगर भी आ चुके हैं। और इनका ये जो मेन्यू है मतलब इतना कलरफुल मेन्यू है कि अगर आपका कुछ खाने का दिल ना भी करे ना तब भी मतलब आप कुछ ना कुछ ऑर्डर करके जरूर खाओगे। बहुत मेन्यू भी बहुत अच्छे और अभी इनके जो चीज फिंगर है हम लोग वो भी ट्राई करते हैं। बहुत टेस्टी है सीरियसली, प्यार मिला हुआ ना तो टेस्टी तो होंगे ही। एक बार ना अगर आप लोग कहीं गेड़ियां वेड़ियां मारते हुए या नियर अबाउट अम्बाला या पंजाब का कभी टूर लगे तो अगर यहाँ से निकल रहे हो ना एक बार यहाँ इनकी फूड बियर और ये चीज फिंगर को जरूर टेस्ट करना। मतलब ये जो इसमें प्यार मिला हुआ ना वो आपको दोबारा यहाँ खींच के जरूर लगे आने वाला है। और यही अपने प्यार को बांटने के लिए ना ये लोग चंडीगढ़ में भी जा रहे हैं। मतलब चंडीगढ़ वालों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है अम्बाला में, इनका एक आउटलेट जो है वो चंडीगढ़ में भी अब ओपन होने वाला है इसी मंथ में। जब तक हम लोग अपने प्यार वाली बियर इंजॉय कर रहे हैं तब तक आप अपने दोस्तों को टैग कर दीजिए जो भी है फूड बियर लवर। और ये जो है प्यार वाली फूड बियर है जिसने एक बार पी ली ना सच में वो रिपीट हो गई होगा। चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो, दिल्ली चंडीगढ़ अम्बाला कहीं के भी रहने वाले हो, अहमदाबाद गुजरात बॉम्बे मतलब, तो आपको यहाँ पे रिपीट ये प्यार वाली फूड बियर जो है ना खींच के लेके आती ही आती है। तो एक बार भैया यहाँ पे एड्रेस क्या पड़ेगा? अम्बाला सिटी सदर बाजार सोनीपुर प्लाजा। अम्बाला कैंट ना? अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट सदर बाजार सोनीपुर प्लाजा। ओके, तो भैया से आपने जो है एड्रेस समझ लीजिए और जब भी आपका यहाँ पे राउंड लगना तो एक बार यहाँ जरूर होके जाए। ओके, बाय बाय।